आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड पर किसी भी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र टाइप करने के सेटिंग सीखेंगे। उसके बाद बताऊंगा कि स्कूल या कॉलेज के जो पेपर टाइप होते हैं उनको किस सेटिंग पर टाइप किया जाता है। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। बिना देरी किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम अपनी होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप टाइप करें, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में, उसकी सेटिंग समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अभी हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। दोस्तों पहले माउस से बताऊंगा, फिर शॉर्टकट की से बताऊंगा। तो देखिए, पहले हम आपको एप्लीकेशन की सेटिंग बताते हैं जिसकी डिमांड काफी लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों, एमएस वर्ड पर जब आप कोई भी एप्लीकेशन टाइप करें तो एप्लीकेशन टाइप करने से पहले और बाद में भी सेटिंग की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप टाइप करने से पहले ही सेटिंग कर लें। सबसे पहले मेन्यू बार में पेज लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए कस्टम मार्जिन पर क्लिक कर देना है। तब आपके सामने पेज सेटअप का विंडो ओपन हो जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब हम इसी विंडो को बिना माउस के यानी कि शॉर्टकट की से ओपन करना सीख लेते हैं। तो पहले हम इसे क्लोज कर देते हैं। दोस्तों इसको ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Alt प्लस P प्लस M प्लस A, यानी कि Alt को दबा के छोड़ दीजिए और जस्ट पी एम ए को प्रेस कर दीजिए। Alt पी एम ए को प्रेस करने पर देखिए वही पेज सेटअप ओपन हो चुका है। ओके, अब हम यहीं से पेज सेटअप करेंगे। देखिए ये जो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट हैं, तो किसी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र का पेज सेटअप करने के लिए टॉप पे 0.75 लिख देना है। इसके बाद टैब को प्रेस करते हुए बॉटम में आना है। यहाँ पर भी सेम 0.75 लिख देना है। इसके बाद लेफ्ट साइड मार्जिन में आपको 1.5 लिख देना है। ठीक, अब आपको राइट में 0.75 लिख देना है। इसके बाद क्या करना है देखिए, ऊपर यहाँ पर पेपर ऑप्शन है, माउस से क्लिक करके इस पर आ सकते हैं, लेकिन नहीं बल्कि अभी हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। इसके लिए कंट्रोल प्लस टैब यानी कि कंट्रोल के साथ टैब को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपको पेपर साइज पर आ जाना है। यहाँ पर A4 पेज को सिलेक्ट करना होता है। अगर आपका एप्लीकेशन लीगल पेज पर डिपेंड है तो यहीं से LGL पेज को यानी कि लीगल पेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपर के बहुत सारे साइज मिल जाएंगे, बट प्रार्थना पत्र के लिए A4 को ही सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद सिंपली ओके या इंटर कर देना है। बस अब आप इस पेज पर कोई भी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट। तो अब हम स्कूल कॉलेज के पेपर की सेटिंग करना सीखेंगे। देखिए पहले आपको पेज लेआउट पर आ जाना है। इसके बाद फिर मार्जिन पर आ जाना है। इसके बाद लास्ट में कस्टम मार्जिन पर आना है। दोस्तों स्कूल के पेपर टाइप करने के लिए आपको टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चारों ऑप्शन में 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 मेंशन कर देना है। ओके, स्कूल कॉलेज के पेपर ज़्यादातर लैंडस्केप पेज पर यानी कि बेड़े पेज पर होते हैं, तो यहाँ पर देखिए लैंडस्केप का ऑप्शन दिया गया है। अगर बगैर माउस के इसको सेलेक्ट करना है तो Alt प्लस S यानी कि Alt को दबा के रखिए, फिर जस्ट S को दबा दीजिए। ओके, इसके बाद ऊपर पेपर ऑप्शन पर आ जाना है। अब यहाँ पर A4 का पेज सेलेक्ट करके सिंपली ओके या इंटर कर देना है। अब आपको क्या करना है देखिए, फिर से पेज लेआउट में आना है, फिर यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, फिर लास्ट में मोर कॉलम पर क्लिक करना है। बस आपके सामने कॉलम का विंडो ओपन हो जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अगर इस विंडो को शॉर्टकट की से ओपन करना है तो देखिए पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों गारंटी है ये शॉर्टकट की आपको यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं मिल सकती, जो है Alt प्लस O प्लस C यानी कि Alt को दबा के छोड़ दीजिए और जस्ट O और C को दबा दीजिए। Alt O C को प्रेस करने पर देखिए हमारे सामने ये ओपन हुआ। दोस्तों ये शॉर्टकट की आपको कोई नहीं बताएगा। अब इधर देखिए
यहाँ पर टू को सिलेक्ट करना है। माउस से तो आप कर ही सकते हैं, शॉर्टकट की से करने के लिए आल्ट के साथ डब्लू को प्रेस करना है, इसके बाद इंटर कर देना है। बस अब यहाँ पर स्कूल के किसी भी पेपर को टाइप कर सकते हैं। ये आपका पेज दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और टिप्स या शॉर्टकट जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।